हेलो एवरीवन, अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाया जाए जो आपको 2 साल तक कंटिन्यूस यूज हो, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, तो आप समझ लो कि वो टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसको समझना कितना ज्यादा नेसेसरी है, राइट? तो वो टॉपिक जो है ना बच्चों, वो टॉपिक है आपका मोल कंसेप्ट, राइट? मैं निकुंज जरीवाला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। और आज हम करने वाले हैं मोल कंसेप्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर 2 पैराग्राफ में मोल कंसेप्ट दे दिया है, दैट इज नॉट नेसेसरी। हम उसके बारे में डिटेल में सीखेंगे, उससे जुड़े न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। ओके, तो पहले सवाल यह है कि ये मोल क्या है? तो जिस तरह से बच्चों हम 12 की क्वांटिटी को कहते हैं डजन, यस और नो? अगर 12 का ग्रुप है तो उन 12 के ग्रुप को हम क्या कहते हैं बच्चों, डजन कहते हैं कि नहीं? अब आप सोचो सिंपल से कि एटम का साइज तो कितना छोटा होता है क्या ना? ओके, तो अगर आपको थोड़ा सा सैंपल दिया हो तो उसके अंदर तो कितने सारे एटम होंगे, तो इतने बड़े नंबर को आप कैसे लिख पाओगे, राइट? कैसे उसके ऊपर कैलकुलेशन कर पाओगे, मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए एटम का एक पर्टिकुलर ग्रुप बना दिया है और उस ग्रुप में जितने एटम है उसको कहते हैं 1 मोल। कौन सा है ये ग्रुप? ये ग्रुप है बच्चों 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने एटम है ना उसको कहते हैं 1 मोल। समझे आप क्या है वो 1 मोल? तो 1 मोल इज नंबर ऑफ एटम्स इन, 1 मोल इज नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 एलिमेंट, राइट? 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने एटम है ना उसको कहते हैं 1 मोल। और ये 1 मोल जो है ना, जब आप कैलकुलेट करोगे ना कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने एटम आते हैं, तो आपको पता चलेगा बच्चों के 1 मोल के अंदर एटम आते हैं 6.022 × 10²³। इतनी क्वांटिटी को हम कहते हैं बच्चों 1 मोल। इफ इट इज अ ग्रुप ऑफ 6.022 × 10²³, उसे कहते हैं 1 मोल। अगर इतनी क्वांटिटी में अगर बच्चे हैं तो उसे कहते हैं 1 मोल बच्चे। इतनी क्वांटिटी में अगर आपके पास टेबल है तो उसे कहेंगे 1 मोल टेबल। इतनी क्वांटिटी में एटम है तो 1 मोल एटम। इतनी क्वांटिटी में आयन है, 1 मोल आयन। मतलब इतनी क्वांटिटी को हम कहते हैं बच्चों 1 मोल। और ये नंबर क्या है पता है ना आपको? एवोगैड्रोस नंबर, स्टैंडर्ड 9th में आप थोड़ा बहुत सीख चुके हो। ओके, तो ये जो है ना बच्चों आपका 6.022 × 10²³ से हम कहते हैं बच्चों एनए। एनए क्या होता है बच्चों? एवोगैड्रोस नंबर, राइट? चलिए बच्चों, अब मैं आपको मोल कंसेप्ट का हार्ट देने वाला हूं कि मोल कंसेप्ट का हार्ट क्या है, राइट? बहुत ध्यान से इसको सीखिएगा, ओके, क्योंकि इसके बाद हमें इसके न्यूमेरिकल भी तो सॉल्व करना है ना, राइट? चलिए, मोल कंसेप्ट का हार्ट क्या है, लेट्स सी दैट। तो अगर बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं 1 मोल, क्या लिखा बच्चों मैंने यहां पे 1 मोल लिखा, तो 1 मोल के अंदर बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? तो आप कहोगे कि सर इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं एनए। जितने एनए होता है 6.022 × 10²³, है ना? तो ये क्या है बच्चों आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दिस पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, कैन बी मोलिक्यूल्स, कैन बी आयन, डिपेंड करता है सब्सटेंस कौन सा। ओके फाइन, तो 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एनए जितने। तो अगर मेरे पास बच्चों एन मोल है, कितना मोल है? एन मोल। तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल मैं सपोज मान लेता हूं कैपिटल एन। तो ये कैपिटल एन कैसे मिलेगा बच्चों? वेरी सिंपल, 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल? एनए जितने। तो एन मोल के अंदर कितने पार्टिकल होंगे बच्चों? एन बाई 1 × nA। और इस नंबर ऑफ पार्टिकल को हमने क्या नाम दिया है? कैपिटल एन। तो मुझे यहां से बच्चों एक फॉर्मूला मिल रहा है कि ये नंबर ऑफ मोल कितना होता है बच्चों? एनए को नीचे ले लो, एन बाई एनए। मैं आपको लास्ट में एक हार्ट बना के दूंगा, मोल कंसेप्ट का हार्ट। तो ये पहला हो गया, नंबर ऑफ मोल क्या होता है बच्चों? कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एनए करो, आपको मोल मिल जाएगा, कितना मोल है वो। दूसरी बात बच्चों, 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है ना उसे हम कहते हैं मोलर मास। क्या कहते हैं उसको? मोलर मास। 1 मोल सब्सटेंस मतलब इतने पार्टिकल को मिला के जो मास होता है ना उसे कहते हैं हम 1 मोलर मास। तो 1 मोल का मास कितना होता है बच्चों? तो 1 मोल का मास होता है उसके मोलर मास जितना। कितना होता है बच्चों? मोलर मास। इसका हम नोटेशन देते हैं कैपिटल एम,
राइट। तो आगे जो आपने एग्जांपल किया ना, आगे वाले पार्ट में मोलेक्युलर मास फाइंड करने वाला, दैट इज दिस मोलेक्युलर मास। तो एक मोल पार्टिकल का मास होता है बच्चों उसके मोलेक्युलर मास जितना। तो अगर एन मोल है तो मास ले लेते हैं बच्चों स्मॉल एम, फाइंड करते हैं कितना आता है वो। तो वापस क्या करेंगे बच्चों, एक मोल में कितना मास है, मोलेक्युलर मास जितना। तो ये एन मोल अगर आपके पास है ना, तो कितना मास होगा बच्चों, उसको हमने लिया है स्मॉल एम। चलिए स्मॉल एम क्या होगा बच्चों आपका, तो एन बाई वन इंटू कैपिटल ए में सब कुछ एनसीईआरटी टेक्सटबुक में मिसिंग है, पता नहीं क्यों ऐसा मिसिंग कर दिया है। तो यहां पे बच्चों आपको नंबर ऑफ मोल कितना मिलेगा, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, स्मॉल एम इज गिवन मास राइट एंड कैपिटल एम इज अ मोलेक्युलर मास, नोटेशन याद रखना है आपको। ओके चलिए बच्चों, अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर ये दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, अल्टीमेटली ये दोनों भी तो इक्वल ही होंगे, हाँ क्या ना। अब एक और बात, जब गैस की बात होगी ना, तो आप आगे जाके सीखोगे बच्चों के एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ये खाली किसके लिए होता है बच्चों, ये होता है खाली और खाली गैस के लिए, वो भी किस कंडीशन पे, एसटीपी दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर एक मोल गैस है एसटीपी के ऊपर, एक मोल गैस अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो अगर एन मोल है तो उसका वॉल्यूम मान लो बच्चों कितना है, वीएल है, कितना है उसका वॉल्यूम वीएल। तो ऑब्वियसली आप बच्चों लिख पाओगे कि ये नंबर ऑफ मोल, चलिए एक मोल में वॉल्यूम कितना है गैस का 22.4 लीटर है राइट। तो अगर आपके पास सपोज मान लो कि एन मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, वीएल होगा। तो ये वीएल कितना आएगा बच्चों आपका, एन बाई वन इंटू 22.4, यस और नो। तो आपको यहां से एक और रिलेशन मिलेगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल अगर वॉल्यूम के फॉर्म में दिया है तो आप क्या करोगे बच्चों, VL डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ये VL का मतलब क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर। तो ये पर्टिकुलर खाली किसके लिए है बच्चों, ये है आपका खाली और खाली गैस के लिए, वो भी किस कंडीशन पे होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसके लिए है ये आपका, गैस एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां पे बच्चों जो आपको हार्ट मिलने वाला है ना, वो है के इन सारे फॉर्मूला को साथ में लिखेंगे। देखिए अगर सारे फॉर्मूला को कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल एन इज इक्वल टू पहला था आपका कैपिटल एन बाई एन ए, दूसरा आपका मास के फॉर्म में था स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, और तीसरा था वॉल्यूम के फॉर्म में दैट इज वीएल डिवाइड बाई 22.4, और ये खाली किसके लिए था, गैस है। तो मैं बार बार मेंशन करूंगा गैस के लिए यूज करना है ये। ओके तो ये हो गया बच्चों आपके मोल कंसेप्ट का हार्ट, क्या है बच्चों, हार्ट ऑफ मोल कंसेप्ट। नोटेशन बता देता हूं, स्मॉल एन क्या है, तो स्मॉल एन है नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल। कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन है बच्चों आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में कौन कौन हो सकता है, इट कैन बी एटम्स, इट कैन बी आयंस, इट कैन बी मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। चलिए एन ए क्या होता है, एन ए होता है एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 to the power 23 राइट। चलिए स्मॉल एम क्या है बच्चों, स्मॉल एम है आपका गिवन मास, क्या है बच्चों, स्मॉल एम है आपका गिवन मास। किस यूनिट में रखना है इसको, ग्राम में कंपलसरी, किस में रखना है इसको, ग्राम में रखना है। चलिए कैपिटल एम क्या है बच्चों, कैपिटल एम है आपका मोलर मास, और ये मोलर मास का यूनिट होता है बच्चों ग्राम पर मोल, एक मोल का मास मतलब ग्राम पर मोल। कैसे मिलेगा बच्चों आपको, ये आपको मिल जाएगा फ्रॉम मोलेक्युलर फॉर्मूला, फ्रॉम मोलेक्युलर फॉर्मूला, मोलेक्युलर फॉर्मूला से सारे मास को ऐड करेंगे आपको मोलर मास मिल जाना है, ठीक है ना, फ्रॉम मोलेक्युलर फॉर्मूला। चले बच्चों ये क्या है, वीएल, वीएल है आपका वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, यूनिट कौन सा है बच्चों, लीटर, इसीलिए मैंने वहां पर वीएल लिखा है। ओके तो आपको अगर इतना याद है ना तो आप मोल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं उसी कुछ क्वेश्चन का। तो अगर पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा है, आपको पूछा है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन
लेट्स से 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है, इतने सोडियम में एटम कितने होंगे? चलिए आपको धरना नहीं है बिल्कुल भी, आपको दिया क्या है वो चेक करिए, आपको फाइंड करना है हाउ मेनी एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल का नोटेशन है बच्चों स्मॉल एन, तो ये हमें फाइंड करना है। हाउ मेनी एटम्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स मतलब दैट इज दिस वन कैपिटल एन, फाइंड करना है कोई बात नहीं। इन 4.6 ग्राम, ग्राम क्या है बच्चों, ग्राम होता है गिवन मास, तो आपको गिवन मास कितना दिया है, स्मॉल एम नोटेशन है उसका, 4.6 ग्राम, कौन सा एलिमेंट दिया है आपको, सोडियम, आपको सोडियम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। चलिए बच्चों लिस्ट में मैंने दिया था कितना होता है सोडियम का एटॉमिक मास, 23 ग्राम पर मोल, हाँ के ना, ये क्या है बच्चों सोडियम का एटॉमिक मास, एटम है तो एटॉमिक मास लेना है, मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूलर मास लेना है, ठीक है, वेरी सिंपल, फाइन, क्लियर है। चलिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बोले कैपिटल एन निकालना है अपने को तो ये तो लेना ही पड़ेगा, मास दिया हुआ तो ये ले लेंगे साथ में, चलिए इन दोनों को ले लीजिए, एन बाय एन ए इज इक्वल टू स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, एज सिंपल एज दैट, है कोई डाउट नहीं है ना। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों, एन फाइंड करना है, एन ए कितना है आपका, फोर सॉरी एन ए कितना होता है 6.02 इंटू 10^23। चलिए गिवन मास कितना है 4.6, मोलिकुलर मास कितना होता है बच्चों 23, राइट। चलिए अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों ये बताइए, तो 4.6 इंटू 5 यहां पर नीचे हो जाएगा बच्चों आपका 5, तो आपका ये एन कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10^23 डिवाइड बाई 5। आप अप्रोक्सीमेट करोगे तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा कुछ अप्रोक्सीमेटली 6.022 डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपका आंसर आएगा कुछ 1.2004 रफली इंटू 10^23 एटम्स, तो इतने उसके अंदर एटम्स होंगे, तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर, इजी है एकदम, ये समझ आ रहा है बच्चों, ये बेसिक आपको आना चाहिए मूल कंसेप्ट का, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, चले बच्चों और कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं मोल कंसेप्ट, पहले इसको देखते हैं। हाउ मच वॉल्यूम O2 गैस, चलिए ऑक्यूपाइड एसटीपी, एसटीपी है मतलब वो रिलेशन हम यूज कर सकते हैं वीएल बाय 22.4 वाला, इफ इट हैज 1.8066 इंटू 10^22 मोलेक्यूल्स ऑफ इट, तो हमारे पास है बच्चों नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स, क्या नोटेशन है इसका कैपिटल एन, यस और नो, तो हमारे पास है नंबर ऑफ मोलेक्यूल, कितने मोलेक्यूल है 1.8066 इंटू 10^22, राइट। चलिए क्या फाइंड करना है, हाउ मच वॉल्यूम इट ऑक्यूपाई, तो यहां पे आपके पास O2 गैस है और कंडीशन कौन सा है बच्चों एसटीपी है, आपको फाइंड करना वॉल्यूम कौन सा ऑक्यूपाई करेगा, तो देखिए ओवरऑल मोल कंसेप्ट में से एन और वी को छोड़ता हुआ फॉर्मूला उठाइए बच्चों, तो फॉर्मूला होगा आपका एन बाई एन ए इज इक्वल टू वी एल बाई 22.4, सिंपल एज दैट। चलिए बच्चों एन कितना है आपका 1.8066 इंटू 10^22, एन ए वैल्यू कितना है, एन ए वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10^23 इज इक्वल टू वी एल बाई 22.4। अब तो बाकी तो कैलकुलेट करना है आपको खाली, राइट। तो अगर आप बच्चों कैलकुलेट करोगे तो ये यहां पे कट हो जाना है आपका, किससे कट होगा 6 3 18 जैसा दिख रहा है ना, तो ये हो जाना है बच्चों आपका 0.3, यहां पर 10^22 कट हो जाएगा, नीचे एक 10 बचेगा, तो ये हो जाना है बच्चों आपका 0.3 बाई 10 इज इक्वल टू वी एल बाई 22.4, है ना। चलिए बाकी सिंप्लीफाई करें बच्चों, आपका वी एल आ जाएगा 0.3 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 10, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 6.72 डिवाइड बाई 10, सो दैट विल कम एज 0.672 लीटर, तो एमएल में कितना होगा बच्चों ये 672 एमएल, तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इतने अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो वो एसटीपी पे इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा 672 एमएल, समझ आ रहा है बच्चों आपको ये क्वेश्चन, ये एंट्रेंस एग्जाम में जब बैठे हो ना तो ऐसा क्वेश्चन होता ही होता है, मोल कंसेप्ट का ये क्वेश्चन जो है वो श्योर शॉर्ट है, वो होता ही है पेपर में और इसी फॉर्मूला के बेस पे वो क्वेश्चन होता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, व्हाट इज मास ऑफ 3 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, चलिए व्हाट डू मीन बाय मोल, नंबर ऑफ मोल, मॉलिक्यूल नहीं है, नंबर ऑफ मोल दैट इज स्मॉल एन, चलिए नंबर ऑफ मोल है बच्चों स्मॉल एन इज इक्वल टू 3 मोल, यस और नो। चलिए कौन है सल्फ्यूरिक एसिड, फाइंड क्या करना है, व्हाट इज अ मास, मास का मतलब है आपको स्मॉल एम निकालना है, आपको दिया है 3 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का होता है बच्चों 1, सल्फर का होता है 32
ऑक्सीजन का होता है 16, सबको आप प्लस करिए आपको मिलेगा 98। चले स्मॉल एन और एम को जोड़ता हुआ फॉर्मूला, वेरी सिंपल, स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। देखिए आप रिलेशन में जाके, स्मॉल एन कितना है बच्चों आपका 3 है, स्मॉल एम फाइंड करना है, मास कितना है वो मोलिकुलर मास है 98। चले 98 × 3 कर लीजिए बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 294 ग्राम। कितना होगा उसका मास, हो जाएगा 294 ग्राम। समझ आ रहा है बच्चों आपको, इतना सिंपल है एकदम मोल कंसेप्ट को समझना, बिल्कुल बाहर नहीं लगना चाहिए आपको ये, ओके। चलिए बच्चों नेक्स्ट देख लीजिए, हाउ मैनी मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, मोलिक्यूल्स हाउ मैनी मोलिक्यूल्स, व्हाट डू मीन बाय नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स मोल नहीं है तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल मतलब कैपिटल एन फाइंड करना है। क्या दिया है 3.42 ग्राम, ग्राम मतलब मास दिया है, कितना है मास बच्चों 3.42 ग्राम। क्या है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों C6H12O6। चलिए स्मॉल एम है तो कैपिटल एम तो चाहिए ही होगा, मोलिकुलर मास 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, आप सबको जोड़ लीजिए बच्चों आपका आंसर आएगा 180 ग्राम पर मोल। कितना आंसर आएगा आपका 180 ग्राम पर मोल। चलिए आपको कैपिटल एन और मास को जोड़ना है, फॉर्मूला बता दीजिए मुझे, तसल्ली हो जाएगी एकदम से कि आपको आ गया, बहुत बढ़िया यही फॉर्मूला, एन बाय एन ए इज इक्वल टू स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। अब तो बाकी काम कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा, बाकी काम आप करोगे और आपका कैल्सी करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है, एवोगैड्रो नंबर फिक्स होता है 6.022 × 10^23 सॉरी यस, मास आपको दे दिया 342 और मोलिकुलर मास है 180। सॉल्व कर लीजिए बच्चों और बता दीजिए फटाफट के आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके चलिए एक और प्रॉब्लम हम करेंगे, चलिए आखिरी क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का, फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम इन 10 ग्राम ऑफ CaCO3। कोई क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम, कोई बात नहीं है, नंबर ऑफ एटम फाइंड करने मिल जाएगा। दिया क्या 10 ग्राम, ग्राम मतलब मास स्मॉल एम दिया है CaCO3 का, तो स्मॉल एम कितना दिया है बच्चों 10 ग्राम दिया हुआ है, 10 ग्राम क्या है CaCO3, मोलिकुलर मास तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि गिवन मास है तो मोलर मास तो चाहिए ही ना, एक कैल्शियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन। चलिए आप सबका मास रखिए, कैल्शियम 40 कार्बन 12 3 ऑक्सीजन 16 मास, कुल मिला के हो जाना है बच्चों आपका 100 ग्राम पर मोल, ठीक है। चलिए फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो CaCO3 तो मॉलिक्यूल है तो पहले ये फाइंड करो ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, फिर उसके अंदर एटम का जुगाड़ लगा देंगे हम, ठीक है। चलिए बच्चों तो पहले फाइंड कर लेते हैं हम नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल्स, देखिए ध्यान से, ओके। चलिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, एन बाय एन ए स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, बहुत बढ़िया। एन फाइंड करना है, एन ए को एज इट इज रखिए ना, आप आंसर में रख दीजिएगा एन ए का वैल्यू 6.022 × 10^23 राइट। चलिए मास कितना दिया 10 ग्राम और मोलर मास कितना है बच्चों 100 है, तो आपका ये एन कितना जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, एन ए ऊपर आ गया, तो इतने आपके मोलिक्यूल है। क्या बच्चों ये आपका मोलिक्यूल ऑफ CaCO3, आपको तो हर एक टाइप का एटम पूछा है ना, कोई बात नहीं, एक CaCO3 में कैल्शियम कितना, एक ही है ना, तो हम यहां पे लिखेंगे बच्चों के 1 मोलेक्यूल ऑफ CaCO3 कंटेन एक कैल्शियम है राइट, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, हाँ क्या ना। तो अगर मुझे जो पूछा टाइप ऑफ एटम, तो मैं लिखूंगा यहां पर नंबर ऑफ एटम। चलिए पहले बताता हूं कैल्शियम कितना है, तो नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, तो एक मोलेक्यूल के अंदर कितना कैल्शियम, एक है, तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल कितने आए आपके 0.1 है ना, जितने मोलेक्यूल आए कि नहीं, तो एक के अंदर अगर एक कैल्शियम है तो इतने के अंदर कितना होगा, इतना ही होगा ना, दैट इज इक्वल टू 1 × नंबर ऑफ मोलेक्यूल जो आपका यहां पर आया है, समझा मैंने क्या किया, वो दैट इज इक्वल टू 1 × नंबर ऑफ मोलेक्यूल कितना है 0.1 है, तो कैल्शियम कितना होगा बच्चों 0.1 जितना होगा। चलिए फिर कार्बन है दूसरा, कार्बन भी कितना है बच्चों, एक CaCO3 के अंदर एक ही कार्बन है, तो ये भी कितना होगा बच्चों 1 × n दैट इज इक्वल टू 0.1 n। चलिए ऑक्सीजन कितना है बच्चों, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो एक के अंदर कितना ऑक्सीजन है 3 है, तो ऑक्सीजन एटम के लिए क्या करना है बच्चों आपको 3 × n करना है, दैट इज इक्वल टू 0.3 × n, n का वैल्यू डाल देना है आपको ये वाला 0.1 n, तो 0.1 × 3 दैट इज 0.3 n,
टोटल एटम कितने हैं, क्या करोगे बच्चों टोटल एटम के लिए? तो एक CaCO3 में कितना एटम है? एक कैल्शियम, एक कार्बन, तीन ऑक्सीजन, कुल मिलाकर कितना हुआ? पांच हुआ कि नहीं? एक एक तीन, तो एक के अंदर पांच एटम, तो इतने के अंदर कितना इंटू फाइव कर दो तो टोटल एटम कितना हो जाएगा बच्चों? फाइव इंटू एन दैट इज इक्वल टू 0.5 n, n का वैल्यू आप डाल देना। समझ आ गया बच्चों आपको? इतना क्लियर है एकदम, मोल कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, राइट? चले बच्चों, तो ये मोल कंसेप्ट के लेक्चर को हम सेपरेट ही रखने वाले हैं, यहाँ पे कोई और चीज हम नहीं जोड़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे अबाउट द परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर बच्चों आपको इतना? फाइन, चले तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करोगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।